हमारी मुरली में बताया हुआ बिना पूछे खाने से ही पाप चढ़ता है, तो ये क्या गीता पढ़ सा ना कि मधुबन बाबा खास मधुबन में और फिर मधुबन को फॉलो करने वाली गीता पाठशालाएं भी है, लेकिन गीता पाठशालाओं में जहां पूरा परिवार ज्ञान में चलता है वहां ये बात लागू होती है। पूरा परिवार ज्ञान में नहीं चलता है तो ये बात लागू भी नहीं होती। सूर्य को प्रत्यक्ष होने से पहले सूर्य की लालिमा दिखाई पड़ती है। हाँ जी, लालिमा क्या है? महाकाली की लपलपाती हुई लाल लाल जीभ। जगदम्बा के जगदम्बा के तरह सब जगह गेट खुलेगा, यह तो स्थूल गेट की बात नहीं है, तो बेहद में गेट आपको बताइए। सुखी परिवार ही गेट है, सब देखें सब समझें कि ये परिवार सुखी है। जैसे भूकंप होते हैं तो कभी कभी देखा जाता है कि कोई कोई सुरक्षित बच जाते हैं और बहुतों को बहुत चोट आ जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जो बच जाते हैं उनको क्या कहते हैं कि ये बहुत सौभाग्यशाली है। तो नरक की दुनिया के बीच वो सुख स्वरूप परिवार नजर आवे, और एक्सरसाइज बोला ना, मन को अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी अमन बना दो, मन का चलना ही बंद हो जाए, निराकारी स्टेज बन जाए, यही एक्सरसाइज है। बाबा 84 जन्म लेने वाले कैसे कन्वर्ट नहीं होते बाबा? है 84 जन्म लेने वाले हाँ, कैसे कन्वर्ट नहीं होते? जो विधर्मी है उन पर दूसरे धर्म का छिलका चढ़ता है, सिर्फ उनकी आत्मा कन्वर्ट नहीं होती, इसलिए कि वो दूसरे धर्म में जाकर के सिर्फ जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। इसलिए जो 83 जन्म लेते हैं, 82 जन्म लेते हैं, कम जन्म लेते हैं, उनके लिए ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने दूसरे धर्म में जाके जन्म लिया, नहीं, वो उसी जन्म में दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहां होते हैं संगम युग में, शूटिंग पीरियड में, एक बाप बनाया, एक गुरु बनाया, फिर दूसरा गुरु बना लेते, दूसरा बाप बना लेते, एक जगह निश्चय पत्र लिखेंगे फिर दूसरी जगह निश्चय पत्र लिख देंगे, कहेंगे हम तो ऐसे ही देखने चले गए थे। और लेकिन बाबा जो बाबा के सामने एक महाबाप का सुनता है, एक भी बात बाप को सुनता है, वो 84 जन्म लेने वाला तो है ना, मुनि में कहा है जो बाप के सामने तो स्वर्ग है, त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे हैं? कहेंगे ना तो जावेंगे। बाबा है ये पढ़ाई तो है सारा मदर गुरुजी के गुरुजी के आधार पर, तो मेरा दो तीन प्रश्न है तो ये थोड़ा क्लियर करना है। विजय माला का मंत्र आने के बाद रुद्र माला के साथ नहीं रहेगा, तो जो बोला है पवित्रता को प्राप्त करने के लिए कायदे अनुसार चलन हो, सर
सरकार का भी कायदे, समाज का भी कायदे और ईश्वरीय कानून का भी कायदे अनुसार हो तो कौन सा जीवन के लिए ये बात लागू है? तो और दूसरा प्रश्न है, अरे एक बात तो पहले हल कर लो, विजय माला के मणकों के साथ रुद्रमाला के मणके साकार में साथ ही नहीं बनेंगे तो विजय कैसे पाई जाएगी? यही प्रश्न है ना। जो रुद्रमाला के मणके हैं और जो विजय माला के मणके हैं उनका बुद्धियोग से मेल ही तब कहा जाएगा जब रुद्रमाला के मणकों की विजय हो जाएगी। काहे पर? विकारों पर। और जब विकारों पर विजय हो गई, देह से ही कनेक्टेड है पांच विकार और देह की स्थिति से परे हो गए तो देह से मिलन होना ना होना बराबर हो गया या जरूरत है? बराबर हो गया। बराबर हो गया। बुद्धियोग की बात रह जाती है सर। ये सरकार के भी कायदे, समाज के भी कायदे, ये अभी के लिए, जब तक पुरुषार्थी जीवन है, पांच विकारों पर विजय प्राप्त नहीं की है तब तक ये कायदे कानून है। हैं? उन युगलों की महिमा होगी, उन्हीं युगलों की महिमा होगी जो युगल तो हैं, बुद्धि में क्लियर हो जाएगा कि हमारा युगल जीवन है किस जन्मों का, लेकिन वो घर संभालेगी, गीता पाठशाला संभालेगी और वो विश्व संभालेंगे क्योंकि विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। ये तमन्ना नहीं रहेगी कि हम घर में जाके बैठें, बाप बाहर संभालता है और माता घर संभालती है। कौन मदर संभालेगी? जो भी युगल जोड़े होंगे, नंबर वार और जिसका जो युगल सहयोग नहीं देते घर में, अगर कोई हमारा सहयोगी नहीं है, हमको सहयोगी नहीं दे, सहयोग नहीं देता, हमको कोई स्नेह नहीं देता, हमको कोई सहानुभूति नहीं देता, तो इससे क्या साबित होता है? हैं? हैं? नहीं। पूर्व जन्म में हमने इसको सहयोग नहीं दिया है, स्नेह नहीं दिया है, सहानुभूति नहीं दी है, इसलिए ये हमसे हिसाब किताब पूरा कर रहा है। जैसे ही हिसाब किताब पूरा होगा, यज्ञ के आदि की तरह है, जैसे यज्ञ के आदि में सात सात तालों के अंदर बंद की गई कन्याएं माताएं एक झटके से स्वतंत्र हो गई, सारा बंधन टूट गया, ऐसे ही टूट जाएगा। प्रश्न है, वास्तुदेव को प्यूरिटी में प्रैक्टिकल में फुल प्रूफ देना है कैसे देना? वास्तुदेव को प्यूरिटी में प्रैक्टिकल में फुल प्रूफ देना है कैसे देंगे? फुल प्रूफ प्रैक्टिकल में फुल प्रूफ तो उनकी कोई गलती पकड़ी नहीं जाएगी ज्ञान के अनुसार। अष्टदेव जब अष्टदेव के रूप में प्रत्यक्ष होंगे तो वो ज्ञान के कायदे कानून से चलने वाले होंगे, ये कायदे कानून को तोड़ने वाले होंगे, कायदे कानून से चलने वाले होंगे, चलने वाले होंगे, तो प्रूफ नहीं है, पूरा प्रूफ है। है को सुना है, उस
कम करने के लिए दादा नीलकंठ को सुनाया गीता माता है, तो उस समय भी राधा बच्ची हो सकता है कि उसने बाद में सुनाया हो, अष्टदेव ने पहले समझा हो, ये भी तो हो सकता है कि जैसे ही साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन माता को मिला तो तुरंत ही जाकर के सुना दिया है? नहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं, नहीं जो ये कोई जरूरी नहीं, बच्चा बच्ची हो गया था, सारा लेखा हो गया बच्चा, हाँ दोनों ने सुना होगा। हाँ, तो उस टाइम में जो क्लासिकल भागीदार को सुनाया गीता माता, हाँ उस समय राधा बच्ची वहाँ मौजूद रहने के लिए हो गया त्रिमूर्ति, और जब फिर मूर्ति कृष्ण को सुनाएंगे तो कृष्ण क्या त्रिमूर्ति में है? कृष्ण वाली आत्मा त्रिमूर्ति में है? कृष्ण वाली आत्मा त्रिमूर्ति के अंदर है? नहीं है, जिस समय परमात्मा शिव ने प्रजापिता के मुख से साक्षात्कारों का रहस्य सुनाया, सुनने वाले ने सुना, सुनाने वाले ने सुनाया, उस समय तीन आत्माएं मौजूद थी, एक सुनाने वाला साकार शरीरधारी जिसमें शिव प्रवेश, और दूसरा गीता माता सुनने और सुनाने वाली, और तीसरी माता सुनने वाली भी और कुछ न कुछ अंदर समझने वाली भी। तीन तीन आत्माएं मौजूद थी, कृष्ण की आत्मा उस समय मौजूद नहीं थी। जब बाद में सुनाया तो पहले सूर्य अपने सूर्यवंशी बच्चों को सुनाएगा या दूसरों को सुनाएगा? जो सूर्यवंशी परिवार है उसमें है आठ, वो अष्टदेव पहले सुनते हैं और सुनने के साथ समझने वाले भी हैं। कृष्ण की आत्मा सिर्फ सुनती है या सुनने के साथ समझ भी लेती है? केवल सुनती है, सुनती है, दूसरों को सुनाती है कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं। किस बात का? जो अभी ने बताया जो उस वक्त तो उसको मौजूद है, उस वक्त जो राम वाली आत्मा को हाँ शिव बाबा ने उसको एक्सप्लेनेशन दिया, और राम वाली आत्मा को राम वाली आत्मा को किसने एक्सप्लेनेशन दिया? शिव बाबा ने, गीता माता ने शिवक्राम को बताया, सुनाया हाँ, तो शिवक्राम को जो जो एक्सप्लेनेशन मिला तो शिव बाबा से मिला ना? मिला नहीं, शिव ने प्रवेश किया, प्रवेश किया। ये प्रवेश करते समय पता नहीं चलता है कि कब प्रवेश किया, कब चला गया, लेकिन ये बाद में पता चलता है। इसके कोई ऑब्जेक्टिव वाली या मुरली में जिक्र है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये तो प्रूफ स्वतः ही हो जाता है कि दादा लेखराज चारों तरफ दुनिया में घूमते रहे, आखिर कलकत्ते में जाकर के उन्होंने क्यों नाक रगड़ी और वहां से संतुष्ट होकर के कैसे चले गए? मूल में पॉइंट से जो ब्रह्मा ने साक्षात्कार किया, लेकिन पहले इनको समझ में नहीं आया था कि हम विष्णु बनेंगे। वाराणसी में क्यों चक्कर काटते रहे? अपने गुरु से क्यों पूछा? कहीं से भी समाधान नहीं मिला तो अपने जीवन में जिस व्यक्ति को उन्होंने सच्चा समझा और अपने जीवन की सारी मिल्कियत तो उस व्यक्ति को सौंप दी कि तुम हमारी दुकान चलाओ, ये सारी मिल्कियत अपने हाथ में लो,
तुम्हारे तन की ताकत और मन की ताकत बाबा, और हमारे धन की ताकत जो मिले उसमें बराबर का हिस्सा हो जाएगा। बागीदार को सब कुछ सौंप करके चले गए। कोई ऐसे कोई सौंप देता है क्या? दुनिया में उनको गुरुओं के ऊपर विश्वास नहीं रहा, लेकिन जो 10 वर्ष से साथ में रहने वाला था वो सब भागीदार के ऊपर विश्वास हुआ। और मुरली में बोला है, क्या बोला है? अलफ को मिला अल्लाह, बे बादशाही सारी भागीदार को सौंप दी। दो ही तो भागीदार हैं, राम और कृष्ण, दोनों एक दूसरे के भागीदार हैं। पार्टनर सिर्फ एक को नहीं कहा जाता, दोनों को ही पार्टनर कहा जाता है। तो बाबा तो बेहद में बोलते हैं, वो हद के पार्टनर हैं या जन्म जन्मांतर के पार्टनर हैं? जन्म जन्मांतर के दोनों आत्माएं पार्टनर हैं, इसलिए रामायण में भी पार्टनर के रूप में दिखाए हैं, भाई भाई, और भागवत में भी राम बलराम की जोड़ी दिखाते हैं। और बाबा, जब सिंधु प्रदेश में जब अमंडली का स्थापित हुआ था पहले, तब तो रामोली आत्मा दादा लेख राज का जो दोनों में टक्कर लगा था, तो तब जाके क्या फिर आगे उसमें अमंडली से रामोली आत्मा जाने का बाद फिर 41 में नागपुर में जब होली छोड़ा, तो सिंधु प्रदेश में छोड़ा ना, कलकत्ता में आके छोड़ा। अब कहाँ छोड़ा, वो दीदी दादियों से पूछो। दीदी दादी से क्यों पूछेंगे? दीदी दादियों से इसलिए पूछो कि प्रूफ निकालना चाहिए, बिना प्रूफ के कोई बात बोली नहीं जा सकती। अभी तो ढेर सारे प्रूफ हैं जो दबे हुए पड़े हैं, प्रूफ निकलेंगे बात साबित हो जाएगी। छोटो मामी के अंदर और बोलिए ना, और उम्रादे के अंदर निराकर सी प्रवेश किया कि नहीं? उम्रादे के अंदर निराकर सी प्रवेश किया? किया, ये तो कहीं आया नहीं। वो पांच ये पंचानन जो होता है, जो उसके साथ वो जोड़ी हो जाता है गए। पंचानन इसलिए कहा गया कि उसमें से दो मुख ऐसे हैं जो धारणा वाले हैं, बोलने वाले नहीं हैं। मनुष्य होते हैं, कोई ऐसे मनुष्य होते हैं जो बोलते भी हैं और करते भी हैं, कोई ऐसे होते हैं बोलते नहीं हैं और करके दिखाते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो बोलते करते नहीं, बोलते तो हैं लेकिन करते नहीं है। तो सारी दुनिया पांच में समाई हुई है। छोटी मम्मी का अंदर, छोटी मम्मी का और ओम राधे का संस्कार एक ही होता है। जो संस्कार है वो ऐसे ही समझे जैसे नर नारायण बनने वाले विष्णु का, और सतयुग में नर नारायण वो सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनने वाले विष्णु का, चारों आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक होते हैं। जैसे ब्रह्मा के लिए सहयोगिनी शक्ति जन्म जन्मांतर में है, ऐसे ही राम के जीवन में कोई सहयोगिनी शक्ति जन्म जन्मांतर के लिए है। इसलिए बोला कि सन 68 तक 76 तक ओम राधे सरस्वती को और ब्रह्मा को ही लक्ष्मी नारायण समझा जाता था, और 76 के बाद कोई प्लस में आ गया। जब रिजल्ट निकलता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि समान नंबर वाले निकल पड़ते हैं, तो कहते हैं प्लस में आ गया।
तो जो नरनारायण बनने वाले विष्णु हैं और जो सतयुग में समान संस्कार वाली आत्माएं हैं राधा कृष्ण, उनकी जो सहयोगिनी शक्तियां हैं वो समान संस्कारों वाली हैं। इसीलिए संपन्न स्टेज में ओम राधे मम्मा को छोटी मम्मी में प्रवेश होकर के प्रत्यक्ष होना है, क्योंकि संस्कारों का मेल है। प्रैक्टिकल में धारण करने वाली आत्माएं हैं। और ब्रह्मा कुमार हमारी उनको कहना चाहिए या ब्रह्मा के चार मुख इकट्ठे बोल रहे हैं क्या? ब्रह्मा को जो चार मानव पुत्र है जी, तो कौन ब्रह्मा? मानसी ब्रह्मा कौन सा है? जिसका मन ज्यादा चलता है, मन के संकल्पों से सृष्टि रचने वाला तीव्र मन वाला ब्रह्मा कौन है? जो तीव्र मन वाला ब्रह्मा है, ब्रह्मा जब संपन्न स्टेज में पहुंचता है तो मन की स्टेज जो है वो संपन्न स्टेज वाली होगी या अधूरी होगी? संपन्न स्टेज वाला मन होता है। तो जो मन का संकल्प है वो संकल्प शक्ति से सृष्टि पैदा होती है। और बाबा ब्रह्मा तो अभी तो निश्चय के चक्र में चल रहा है, बाबा को शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में नहीं मान रहा है, है? बाबा को शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में नहीं मान रहा है, आपने कोई गीता का भगवान समझते हैं, तो धर्मा का राजा धर्मराज कैसे बनेंगे? किसका राजा? धर्मा का राजा धर्मराज। क्यों, प्रैक्टिकल में बन के नहीं दिखाया क्या? प्रैक्टिकल में धारणाओं का राजा बन के नहीं दिखाया किसने? किस बोल ने? कोई धारणा ऐसी रही जीवन में जो उन्होंने धारण नहीं की? ब्रह्मा ने किया ना, शिव बाबा ने करके दिखाया। अरे निमित्त पकड़ा जाएगा या बिंदी पकड़ा जाएगा? निमित्त देखा जाएगा। निमित्त कोई पद मिलेगा, निमित्त कोई प्राप्ति होगी। शिव बाबा को प्राप्ति होनी है क्या? हाँ जी बाबा, अष्टदेव तो बाक्समान आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो आपने बोला जो अंतिम जन्म में आकर के नीचे गिरते हैं, तो उनका जो 21 जन्म का साथी होंगे वो 84 जन्म साथ नहीं देंगे क्या? सीता वाली आत्मा जैसी नंबर बार होंगे। अगर एक आत्मा ऐसी है जिसका एक के सिवाय और कोई के साथ संबंध नहीं है पति पत्नी के रूप में, तो दूसरा उससे नीचा ही होगा कि बराबर होगा? नीचा ही होगा। और तीसरे नंबर वाला और भी नीचा होगा या बराबर होगा? और नीचे होगा। जितना जितना व्यभिचारी अनेक जन्मों में बनेगा अनेक आत्माओं के साथ, उतना उतना नंबर नीचे गिरता जाएगा। मुस्लिम बोलो, अवेकवाणी बोलो, पूर्वज आत्माओं की पालना डायरेक्ट बाप से होती है। हाँ जी, ऐसे तो एडवांस पार्टी में जितने भी बच्चे सबकी पालना तो डायरेक्ट बाप से ही हो रही है। यज्ञ का आदि भूल गए, पूर्व जन्म भूल गए, कौन से धर्म के हो? हैं? पूर्व जन्म की बात है। यज्ञ के आदि में जो अष्टदेव हैं, उन अष्टदेवों ने डायरेक्ट बाप से पालना ली है पहले पहले, बाद में औरों का नंबर लगता है। त्रिमूर्ति के साथ अष्टदेव भी था? त्रिमूर्ति के साथ नहीं था, अकेला। त्रिमूर्ति में तो तीन कैटेगरीज हैं। एक ऊंची से ऊंची कैटेगरी, वो शंकरपुरी में शंकर अकेला नहीं है। अकेला है कि और भी संगी साथी होंगे? साथी भी होंगे। सूर्य के साथ सूर्यवंशी भी होंगे कि नहीं होंगे? और दूसरी कैटेगरी है विष्णु। वैष्णव संप्रदाय प्रसिद्ध है भारतवर्ष में, तो विष्णु अकेला है, अकेली आत्मा है, या उसके संगी साथी और भी होंगे? और भी है उस कैटेगरी में। ये दो ऐसे हैं जो भगवान के रूप में माने जाते हैं।
भगवान के रूप में उनकी पूजा होती है। शंकर की भी भगवान के रूप में पूजा होती है, तो विष्णु की भी भगवान के रूप में पूजा होती है। और तीसरी कैटेगरी वो है जो नीचे तबके की है, थर्ड क्लास ब्रह्मा और ब्रह्मा को फॉलो करने वाले। इसलिए जब अंतिम रिजल्ट निकलता है तो तीन तरह के प्रत्यक्ष होते हैं, एक रुद्रमाला और एक विजयमाला, और तीसरे वो हैं जो उनसे जन्म लेने वाले बच्चे हैं। सब 16 कला संपूर्ण तो हैं, लेकिन तीन तबके के हैं। और एक मुरली है शिव बाबा ने रची गीता माता को, हाँ जी, उससे जन्म लिया कृष्णा और बाकी सब आ जाते हैं। हाँ, तो इसी मुरली से पता नहीं लगता है कि गीता माता को और किसी से ये रहस्य का पता लगा है। उसी मुरली को मैं इस्तेमाल कर सकते हैं। शिव बाबा ने रचा गीता माता को, गीता माता को रचने वाला रचयिता है या नहीं है? रचने वाला रचयिता की कोटि का है या नहीं है? रचयिता है। और जिसको रचा वो रचना भी साकार है या निराकार? साकार है। तो रचयिता भी साकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? साकार होना चाहिए। तो कोई जरूर होगा, इस्तेमाल कर सकते हैं ना? है? हम बता सकते हैं कि ये उसमें और कोई था साकार में जिससे गीता माता को और भीषण को जो साक्षात्कार कुछ मिला। कोई भी एक बात होती है तो उसका कोई जरूरी नहीं कि अकेला एक ही प्रूफ हो, ढूंढे जाएंगे तो अनेकों प्रूफ निकलेंगे। बाप को बाप साबित करना है तो एक प्रूफ नहीं मिलेगा, ढेरों प्रूफ मिलेंगे कि ये बाप है। लक्ष्मी को लक्ष्मी साबित करना है तो एक प्रूफ नहीं मिलेगा, ढेरों प्रूफ मिलेंगे और साबित होगा कि ये प्रूफ है और इसके आधार पर ये साबित होता है। बाबा, जब 36 साल में एक एट एज होगा उसको क्या, अभी तो ख्रिस्टाब्द बोलता, ख्रिस्टाब्द बोलता ना आजकल, अभी जो 2007 साल होता उसको तो ख्रिस्टाब्द बोलता, जब एक एक होता साल एक एक होगा उसको क्या बोलेगा? एक एक होगा तो सबके लिए एक 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 साथ हो जाएगा या जो मानेंगे उनके लिए हो जाएगा? जो मानेंगे, जो मानेंगे उनके लिए हो जाएगा। उस समय से और जब एक एक हो जाएगा उसकी हिस्ट्री दुनिया में चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो होना ना होना बराबर हो गया। अरे ये तो भारतवासी हैं जो विदेशी सभ्यता के प्रभाव में आकर के विदेशी संबत अपनाने लगे हैं। नहीं, भारत का संबत तो विक्रमादित्य संबत था, शक संबत था, शताब्दी को भूल गए और दूसरों के संबत को अपनाने लगे। तो 2000 वर्ष के पहले ही तो ये सन चल रहा है ना, तो उससे पहले तो क्या कोई प्राधान्य नहीं रहेगा? है, कोई प्राधान्य नहीं रहेगा 2000 के बाद? कोई प्रधानता नहीं है क्या पहले का? 2000 पहले का? हाँ, 2000 पहले था ना, शक संबत भी था, विक्रमादित्य संबत भी था। हिंदू ज्यादा पुराने हैं या क्रिश्चियन मुसलमान ज्यादा पुराने हैं? हिंदू ज्यादा पुराने, तो उनका संबत भी ज्यादा पुराना होगा, लेकिन मान्यता उसको नहीं दे रहे हैं उतनी जितनी विदेशी संबत को मान्यता दे रहे हैं। इससे साबित होता है कि अपने को नीच समझ बैठे हैं।
और दूसरे धर्म वालों को, दूसरे देश वालों को ऊंच समझते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई को फॉलो करते हैं, उनके रहन सहन को फॉलो करते हैं, उनके खान पान को फॉलो करते हैं। दादा को भी छत्तीस को प्राधान्य दिया है, मुरली भी तो 36 के प्राधान्य भी दिया, साल 36 के प्राधान्य दिया ना मुरली में। हाँ, तो बाप विदेशी बन के आया या स्वदेशी? बाप इसीलिए विदेशी बन करके आया है, उसका कोई मकसद है। क्या मकसद है? कि बाप विश्व कल्याणकारी है, सारे विश्व का कल्याण करेगा, ऐसे नहीं सिर्फ भारतवासियों का कल्याण करने वाला है, इसलिए विदेशी बनकर आना पड़ता है। क्योंकि बाप के जो भी बच्चे हैं सिकिल देह, उन सब के ऊपर दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ गया, तो बाप को भी विदेशी बनना पड़ता है। बाप विदेशी बनकर आया हुआ है, इससे साबित नहीं होता ये कहने से कि बाप विदेशी है। विदेशी बनकर आया, जैसे कोई नाटक रंगमंच होता है और कोई गधा बनकर के आ जाता है, तो गधा गधा दिखाई पड़ता है या कोई मनुष्य है? है तो मनुष्य, लेकिन बनकर के क्या आया है? गधा बन के आया। एक्टर होता है। हाँ जी बाबा, बाबा इस वर्षों में क्या करना चाहिए? है? इस वर्ष में क्या करना चाहिए? इस वर्ष में क्या करना चाहिए? मुझे एक वचन मुझे की बोल ले दादा, हम तो कौन सा बाबा। हाँ जी शिव बाबा का गले जो बनाना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का मुक्ति, मतलब मैं समझता हूँ कि मैं जो विकार मुक्त हो गया, मतलब अंदरूनी से जो मुक्ति मिल गई है, क्या जीवन मुक्ति क्या वो प्रैक्टिकल में जब मन प्रत्यक्ष होने लगेगा वही क्या जीवन मुक्ति माना? जो परमधाम ऊपर से नीचे उतार लेंगे, सब तपस्या में बैठे हुए आत्मिक स्टेज वाले होंगे, वो मुक्ति की स्टेज होगी या जीवन में रहते सुख भोगने वाली जीवन मुक्ति की स्टेज होगी? कौन सी स्टेज होगी? तपस्या धाम में बाप के साथ जो हुजूम में बच्चे आत्मिक स्थिति में बैठे हुए होंगे, कोई संकल्प नहीं चल रहा होगा, दुनिया में चाहे जितना विनाश बरपा होता रहे, उनको कोई भय पैदा नहीं होगा, ऐसी निसंकल्प स्टेज बनी हुई होगी, वो सुख की स्टेज है या शांति की स्टेज है? शांति की स्टेज, तो उसे मुक्ति की स्टेज कहेंगे या सुख की स्टेज कहेंगे? मुक्ति की स्टेज कहेंगे। वो मुक्ति की स्टेज है। यहाँ बन के दिखा दो ना, व्यक्ति के साथ साथ स्थान का भी कोई महत्व होता है। हाँ जी बाबा, जब आदि में सुप्रीम सोल जब गीता माता में प्रवेश किया था जो सुनी सुनाना काम किया और सेवक राम में काम, जब प्रवेश करके जब बोझा बुझाना काम किया, तब सेवक राम का कितना एज था और गीता माता का कितना एज था? दोनों का एज 60 साल। दोनों 5-10 वर्ष में रहने वाले कहाँ बोला? एक के लिए बोला 10 वर्ष से रहने वाला, ध्यान में जाती थी, तो दोनों के लिए कहाँ बोला? एक के लिए बोला, मैच्योरिटी वाली भूल जो माँ वाक्य है वो ये है, 10 वर्ष से रहने वाला, तो एक हुआ या दो हुए? एक हुआ। ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, डायरेक्शन देते थे, टीचर हो बैठते थे, उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे। दो हुए एक हुआ, उनमें
दो हुए, प्रवेश दोनों में होता था, लेकिन एक 10 वर्ष से साथ रहने वाला था बाबा के, माने 26 से। और बाप दादा बैठ रिजल्ट सुनावे। फिर आगे क्या बोला? बस इतना सुनावेंगे या सुनावे? सुनावे सुनावे, ये तो नहीं सुनाया। नहीं। आगे बाबा बताइए। बता तो दिया, ये नहीं कहा बाप दादा सुनावेंगे। सुनावे पर भविष्य में सुनावे? नहीं, सुनावेंगे ये नहीं बोला। सुनावे सुनावे सुनावे, तो आगे पीछे का वाक्य तो तुमने सुनाया ही नहीं। सुनावे से साबित ही नहीं हुआ कि बाप दादा सुनावेंगे। पूरा वाक्य पकड़ो ना, आगे पीछे क्या बोला है? सुनावे है। हाँ सुनावे, सुनावेंगे ऐसा तो नहीं बोला। सुनावेंगे नहीं बोला, बाप दादा बेट रिजल्ट सुनावे, माने बाप दादा रिजल्ट नहीं सुनाएंगे। हाथ उठा दो, अरे हाथ तो उठा दो। हाँ सर, राधा कृष्ण जन्म लेके उस टाइम सुप्रीम सर कहाँ रहेंगे? उस टाइम पर सुप्रीम सर कहाँ रहेंगे? सुप्रीम सोल का काम खत्म हो गया, तो बाबा बाप समान बन गया, तो जो बाप समान बन गया उसके लिए तो बोल दिया। इस सृष्टि पर सदा कायम कौन है? शिव बाबा। तो जो सदा कायम है वो उसका काम चालू हो गया, तो जो सदा कायम नहीं है उसको क्या करना बैठ के? अठारह साल से पहले की बात कर रहे हैं, वो 18 साल के बाद की बात नहीं कर रहे हैं। तो अरे पुरुषार्थ अपनी आत्मा को करना है या शिव बाबा को करना है? तो लौकिक दुनिया में 8-10 बच्चे पैदा होते हैं, जो बड़ा भाई होता है, बाप अगर मर जाए तो बड़ा भाई बाप समान नहीं कहा जाता, कहा जाता है तो वो छोटे बच्चे को पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। पढ़ेगा मत करो, अभी से बंद कर दो, आराम से सोया करो। 2036 में यदि विनाश होगा, 2036 में यदि विनाश होगा तब तो विनाश की समय सुप्रीम सोल सबको लेके चले जाएंगे। सुप्रीम सोल विनाश की बाद सब आत्माओं को लेके सुप्रीम अबोर्ड में जाएंगे ना। सुप्रीम सोल को झाड़ में ले जाते हुए नहीं दिखाया गया वहाँ, तो शंकर को दिखाया है, और शंकर की बुद्धि में याद दिखाई है सुप्रीम सोल की याद दिखाई, सुप्रीम सोल सुप्रीम सोल की याद दिखाई है। लेकिन जो जो सोल सब जाएंगे ऊपर, हाँ जी, तो किसका साथ जाएंगे? बाप के साथ, बाप वेद के बाप दो हैं। हाँ तो क्यों ना जो रामली आत्मा है, जो बाप समान बनते हैं, तो नीचे रह जाते हैं, और सुप्रीम सोल ऊपर चले जाएंगे, तो सुप्रीम सोल का साथी तो सब जाएंगे सब आत्माएं। तो 2008 में जब राधा कृष्ण की जन्म होगा तो उस समय आप बोलते हैं जे सुप्रीम सोल का जरूरत नहीं है, क्यों ना बाप समान बन गया बड़ बच्चा, तो तब सुप्रीम सोल की विनाश की पहले ही सब आत्माओं को क्या करेगा? तो सुप्रीम सोल ऊपर चला जाएगा 2018 में। कोई ऊपर चला जाएगा नीचे चला है उसका कुछ पता चलेगा? कब ऊपर जाता है कब नीचे आता है, कोई अभी कोई प्रूफ है?
ना, लेकिन जो एक बार नीचे आ गया, ये फालतू की बात हो गई ना, कब ऊपर गया कब नीचे आया, आया कि नहीं आया पता ही नहीं चलता, सिर्फ एक्ट के आधार पर पता चलता है, वाचा के आधार पर पता चलता है। लेकिन 2018 में जो भी जन्म होगा हाँ, उसका बाद सुप्रीम सोल का क्या रोल होगा? सुप्रीम सोल का रोल खत्म खत्म तो क्यों करेंगे? क्यों वो, उसका रोल इसलिए खत्म है कि वो जो है वो वानप्रस्थ अवस्था में बैठता है। वानप्रस्थ अवस्था में बैठता है माने जितना मुक्ति धाम में चलेगा, शांति धाम में चलेगा, जितना याद करेंगे और जो जितना याद करेंगे उनको उतना अंदरूनी डायरेक्शन अपने आप मिलता रहेगा। आप तो मिलता रहेंगे लेकिन हाँ जी, सुप्रीम सोल के ऊपर चले जाएंगे? ऊपर नीचे जाने का सवाल कहाँ है? वानप्रस्थ में जब जाएंगे वानप्रस्थ स्टेज की साकार दुनिया में होगा उनका। माना सुप्रीम सोल जो है उसका काम है एक को संपन्न बनाने के लिए, आप समान बनाना, सेवा और शंकर मिलाकर एक कर देना। कोई कह ही नहीं सकता कि ये शिव है या शंकर है। अभी तो बहुत सी बातें हैं जिनके आधार पर पता चलता है ये ब्रह्मा ही बोलता होगा, शिव की भाषा नहीं हो सकती। अभी अंतर आता है ना, लेकिन उस समय संपन्न स्टेज हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कौन है, जो बाप है सोई बच्चा है। लेकिन सुप्रीम सोल तो इस दुनिया में आकर प्रवेश करके बाप समान बनाया हाँ? तब उधर से ऊपर से परम धाम से आकर हाँ? प्रवेश करके बाप समान बनाया हाँ जी। लेकिन जो भी बाप समान बन गया बच्चा, बड़ा बच्चा हाँ? उसका बाद सुप्रीम सोल तो फिर तो जाना पड़ेगा ऊपर, फिर जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेदारी तो बड़ा बच्चा ले लेगा, लेकिन सुप्रीम सोल की परम धाम में चले जाएंगे? देखो यहाँ छिलके वाली आत्माएं हैं अनेक प्रकार की, कोई को दुख होगा अरे निराकार शिव चला भी गया, और कोई सुखी होंगे अरे अंतर क्या है, ना चला गया ना आ गया, वो तो मौजूद है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, माने हाँ साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और साथ साथ सतयुग में आवेंगे। उनको तो मुक्ति धाम में बैठना ही नहीं है, कहाँ जाना है, है? सुखधाम में जाना है। बाबा हमारा साथ में 5000 साल गामा में रह जाते हैं। 64 सदाकाल टाइम कोई चीज तो है नहीं, है नहीं। बाबा ही सदाकाल कायम रहे, सदाकायम कायम है। सुप्रीम सोल रामाली आत्मा का बॉडी का अंदर रह जाएंगे 5000 साल? ये नहीं बोला, ये बोला इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज है नहीं, सदा काल कायम एक शिव है, एक शिव बाबा है बोला, शिव बाबा। और बाबा कहा जाता है साकार निराकार के मेल को, और जो निराकार है वो उस निराकार सुप्रीम बाप के समान बन गया, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन गया, और साकार में भी है वो और समान भी बन गया, तो शिव बाबा है या नहीं है? शिव बाबा अंत में, अंत में जाके रामाली आत्मा शिव बाबा बन गए हाँ? दो शिव बाबा हो गया हाँ? एक रामाली आत्मा का बॉडी प्लस सुप्रीम सोल एक शिव बाबा, और एक रामाली आत्मा प्लस रामाली आत्मा का बॉडी हाँ? ये दो शिव बाबा हो गया। एक राम वाली आत्मा अधूरी हाँ, एक राम वाली आत्मा अधूरी पतितन, और एक राम वाली आत्मा संपन्न पावन तन। शिव बाबा किस लिए आया? पतित को पावन करने के लिए, आप समान बनाने के लिए। जब बाप समान बन गया तो रहना न रहना कोई मतलब ही नहीं, बाप जब वानप्रस्थी होके घर में बैठता है तो दुकान कौन संभालता है, बच्चा संभालता है? तो बाप का कोई ख्याल नहीं रखेंगे हम लोग, ख्याल का वो बिंदी को क्या ख्याल रखोगे? तो बिंदी कोई बिंदी से भी गया किधर? वो जो विधर्मी आत्माएं होती हैं उनको धक्का लगता है कि साकार को हम नहीं मानेंगे, जो स्वधर्मी है वो निराकार और साकार सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, दोनों एक ही हो गए,
इसलिए शिव शंकर को मिला के एक कर दिया। दोनों तो एक ही होगे। विधर्मी आत्मा नहीं मानेंगी, ये तो मानने का जो इसीलिए तो, रोना है ना, साइंटिफिक एक तो लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक है ना, जो सुप्रीम सोल ऊपर से आया बाबा, आप सदा का किया है ना बाबा, 597 कैसेट में बाबा, 597 वीसीडी में बोलचे एक मिनट, 597 वीसीडी में बोला है जे महिमा एक का ही होना चाहिए। महिमा साकार की होती है और गायन साकार का होता है, ग्लानी साकार की होती है या निराकार की होती है, चाहे ग्लानी हो और चाहे महिमा हो, चाहे गुण हो और चाहे अवगुण हो, किसके होंगे साकार निराकार। बिंदु की न महिमा है न गुण है, वो निर्गुण कहा जाता है। लेकिन 597 सिद्धिसिद्धि में बाबा क्लियर बोल दिया क्या, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी कोई महिमा नहीं है, कोई का भी कोई महिमा नहीं है। सुप्रीम सोल साकार देह में प्रवेश करके सब कुछ करते हैं, तो इसलिए महिमा वही एक का ही है। एक कैसे पता चलेगा, एक एक ऐसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा जो सुप्रीम सोल आया जिस तन में प्रवेश किया, तो हम लोग का बुद्धि है, बुद्धि तो है ना, जो सुप्रीम सोल जैसे शिवलिंग में बोलता है जे लिंगाकार है, उस तो लिंगाकार है जिस तल में सुप्रीम सोल प्रवेश किया, और बिंदु है ऊपर से जो शिव बिंदु आया, तो बॉडी प्लस सुप्रीम सोल ये है शिव बाबा। राम बाप में जब शिव बाप प्रवेश करते हैं तो ग्रैंड फादर शिव बाबा बनते हैं, तो शिव बाबा जो ग्रैंड फादर बनते हैं उसका महिमा है। शिव बाबा बनते हैं राम बाप में, शिव बाप जब प्रवेश करते हैं, राम बाप होता है प्रजापिता, और प्रजापिता के भी पिता है परम पिता जिन्होंने प्रवेश किया राम बाप की तन में, तो जो परम पिता है वो है ग्रैंड फादर, इसके लिए हम लोग बोलता है शिव बाबा, बाबा माने ग्रैंड फादर। शिव बाबा जब बोलेंगे हाँ, तो इसका मतलब है कि साकार है, साकार है। अगर ग्रैंड फादर बोलेंगे हाँ, तो जरूर है, लेकिन वो बिंदु बिंदु का आत्माओं का जब बाप है तो ग्रैंडफादर नहीं है। बिंदु बिंदु आत्मा जब साकार में प्रवेश किया तब तो ग्रैंडफादर हुआ, और प्रजापिता को बोलता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, प्रजापिता को बोलता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जो मुरली में सुना आपका बीसीडी में सुना, प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और शिव सुप्रीम सोल शिव साकार में ग्रैंडफादर, तो उनका ही महिमा है। इसके लिए सिर्फ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर सिर्फ ग्रैंडफादर बोला, ग्रैंडफादर क्यों, बाप की बाप, इस हिसाब से सिर्फ ग्रैंडफादर सुप्रीम सोल, नहीं ऐसा नहीं है। और प्रजापिता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, क्यों ना वो 84 जन्मों में रहते हैं। ग्रैंडफादर किसी मुरली में नहीं आया है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आया है। ऐसा बोला प्रजापिता ब्रह्मा जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो प्रजापिता, तो प्रजापिता इसके लिए महिमा बोला, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी महिमा नहीं बोला, लक्ष्मी नारायण का भी महिमा। तो बात को तो समझो, महिमा तब होती है जब साकार शरीर में प्रवेश है, अगर साकार शरीर से प्रवेश नहीं है तो महिमा की कोई बात। दूसरी बात, लक्ष्मी नारायण की महिमा होती है सबसे जास्ती, क्या बोला बाबा ने, बोले लक्ष्मी नारायण की भी महिमा नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का सामने झुकना नहीं चाहिए है? उनका सामने भी झुकना नहीं चाहिए, तो बेधर्मी होंगे तो नहीं झुकेंगे। क्यों ना उसमें जो बोला 597 में बाबा बोला क्या, लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा लायक बनाने वाला शिव बाबा है। झुकना क्या बिंदु के लिए होता है, बिंदु हम बिंदु क्यों समझे, बिंदु जब एक बार साकार में आ गया वो बिंदु क्यों मेरे लिए। अरे झुकेंगे किसके सामने, अगर या तो अलग अलग नहीं करिए हाँ। या तो समझिए जो साकार है सो निराकार है, जो निराकार है सो साकार है, तो जब एक ही है दोनों तो अलग अलग करने की बात ही नहीं रहेगी, फिर ये प्रश्न ही नहीं उठता कि शिव बाबा नीचे है या शिव बाबा ऊपर है, बात ही खत्म हो जाती। तो ऊपर से झगड़ा किस बात करेगा, ऊपर से जो आया ये तो कंसीडर नहीं करना है, कब आया कब चला गया पता चलता है। खड़े होके बोलो 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 बोलो,
में लेके जाएंगे, इसको झाड़ के चित्र में दिखाया है ना। हाँ मुरली में भी बोला है साथ में लेके जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, बाप बच्चों के साथ जाएंगे। इस दुनिया में आग लग रही है काम और क्रोध की, उस जलती हुई दुनिया में बच्चों को छोड़ के नहीं जाएंगे, साथ लेके जाएंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ रहेंगे, साथ साथ पुरुषार्थ करेंगे और साथ ही मुक्ति धाम में जाएंगे और साथ ही जीवन मुक्ति धाम में आएंगे। ये शिव की बात नहीं है, बाप कहाँ गया, आत्मा का पिता कहाँ गया? वो तो गया ऊपर 18 के बाद। हाँ तो बस वही तो बात था, तो जो बात है एक एक साइलेंस प्लीज। हाँ जी, जब बाप चला जाएंगे निराकार, हाथ उठाओ, बाप आया हुआ है, हमें बड़ा जनरेटर है, सुप्रीम शोर आकर के हमारा जो राम बाप है, मतलब जो साकार में बाप है, तो चार्ज करके चला जाता 2018 उनको पूरा चार्ज करके 2018 को परमधाम चला जाता, शायद तो परमधाम इस साकार में ही है, लेकिन मन बुद्धि से वो पूरा फुल चार्ज का मतलब है वो आखिरी जन्म तक भी विधर्मियों से टक्कर लेता है। जैसे यहाँ संगम युग में शिव बाबा आया हुआ है तो विधर्मियों का विधर्मों का विनाश करता है या नहीं करता है? सब धर्म की स्थापना करता है और सब धर्मों का विनाश कर देता है। तो ये संस्कार जो है एक आत्मा में आज से लेकर के अंत तक भरा रहता है, इसीलिए उनको बड़ा जनरेटर कहा जाता है। हाँ जी हाँ, शंकर जो बैटरी है उसको थोड़ा भी चार्ज रह जाता अंतिम तक। हाँ जी हाँ जी, बाकी जितने आत्मा है उसको डिस्चार्ज हो जाते हैं। हाँ जी, डिस्चार्ज हो जाती है तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और भक्ति मार्ग में जो लोग भक्ति करते हैं तो उनको भक्ति का जो फल मिलता है वो कौन देते हैं? कोई काली का दर्शन करता है, कोई शिव शंकर का दर्शन करते हैं। सारा शूटिंग कब होता है? जो आत्मा में भर गया, जो रिहर्सल हो गई, जो रिकॉर्डिंग हो गई, वो ही वहां चलता रहता है 5-4 साल। न कोई साक्षात्कार कराता है, कराने वाला कोई ऊपर से नहीं कहता है कि क्राइस्ट तुम जाओ, इब्राहिम तुम जाओ। उनकी आत्मा में वो रिकॉर्ड भरा हुआ है। कब? संगम युग में। गंगा निकलेंगे तब बाहर का दुनिया ज्ञान, बाहर का दुनिया में ज्ञान बांटेंगे। तो ये बात के बेहद के मतलब बेहद के सन्यासी को उद्धार करेंगे बोला, तो सन्यासी के बेहद का सन्यासी और बाहर का सन्यासी एक ही उद्धार होगा। पहले अंदर वालों का उद्धार होगा कि पहले बाहर वालों का? अंदर वाले का उद्धार होगा, लेकिन बाहर वाले को गंगा निकलने के बाद उद्धार होगा, ज्ञान बांटेगा। गंगा निकलेगी तो पहले सन्यासियों का उद्धार करेगी। तो बेहद का सन्यासी और बाहर का सन्यासी, पहले बेहद का सन्यास उद्धार होता है कि हद वालों का उद्धार होता है? जो बेहद के धर्म पिताएं हैं उनका उद्धार पहले होगा, या जो हद के धर्म पिताएं हैं द्वापर युग से उतरते हैं उनका उद्धार होगा? जो बेहद के धर्म पिताएं हैं बीज रूप आत्माएं उनका पहले उद्धार होगा। बाहर का भी तो होगा। हाँ जी, बाहर का सन्यासी को उद्धार होगा ना, हद वाले बाद में और बेहद बेहद पहले। पहले जो बोला गया था कि ट्रिब्यूनल बैठेंगे उसके बाद नंबर सिलेक्शन होगा वो तीन आत्माओं के द्वारा, तो अभी वो तीनों आत्मा नहीं आने से पहले अष्टदिव सिलेक्शन हो जाएगा? डर लग रहा है क्या? नहीं, हम गेम चेंज हो गया क्या ये पूछे? धीरज धर मनुआ, धीरज धर।
बीच में नहीं बोला हूँ, पहले पूरी बात का समाधान हो जाने दो। बड़ी मम्मी छोटी मम्मी नहीं है तो अष्टदीप सिलेक्शन कैसे होगा? ये किसने आपको कह दिया कान में कि अभी बड़ी मम्मी नहीं आई, छोटी मम्मी नहीं आई, सिलेक्शन हो गया, ट्रिब्यूनल का सिलेक्शन हो गया, ये किसने कह दिया है? अरे तुम्हारे पक्ष का भी आ जाएगा, धीरज धरो। ट्राइब्यूनल में अष्टदेव रहेंगे हैं? ट्राइब्यूनल में अष्टदेव रहेंगे? ट्राइब्यूनल में अष्टदेवों को रहने की क्या दरकार? उनका जो सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ी भुजा है, वो अगर ट्रिब्यूनल में आ जाए तो दूसरों को रहने की क्या दरकार? वो दूसरी बात बोलेंगे कोई? ट्रिब्यूनल में तीन बातें बोलने वाले अलग अलग होते हैं या एक ही सब बात बोलते हैं? हाँ, एक एक को पास करता है, दूसरा दूसरे को पास करता है, तीसरा तीसरे को पास करता है। अगर एक ही जैसे हो तो ट्रिब्यूनल का कोई मतलब ही नहीं, इसलिए ट्रिब्यूनल में तीनों प्रकार के होंगे। क्या एक मत बाद में, जो ट्रिब्यूनल में भी एक मुखिया होता है, जब ट्रिब्यूनल होती है तो उसमें एक मुखिया होता है। हाँ, एक मुखिया जो बोलेंगे और वही सुन लेंगे। नहीं तो चार क्यों नहीं रखे जाते, दो क्यों नहीं रखे जाते, तीन क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि जब वोटिंग हो तो पता लग जाए किसका ज्यादा है और किसका कम। जैसे चुनाव होता है ना, तो चुनाव में भी तीन बैठते हैं, एक आया साक्षात्कार देने के लिए, एक ने टिक लगाई, दूसरे ने काटा लगाया, तीसरे ने टिक लगाई, किसी को पता नहीं कितनी टिक किसके हाथ में पड़ी, किसके पल्ले कितने टिक के सही के निशान गए और किसके पल्ले गुणे के निशान कितने गए। तो तीनों में के जब मिलाए जाएंगे तो पता लगेगा ना कि सही मार्क सबसे ज्यादा किसको मिले। तीनों होंगे तभी तो मिलेंगे। हाँ, जैसे हर स्टेट में लोग गंगा आने से पहले सुबह जाते हैं या जाके जाते हैं, वैसे यूपी वाले क्यों नहीं सुबह जाते हैं? क्योंकि यूपी वालों को भाषा की प्रधानता मिली हुई है, यूपी वालों को लास्ट में ये गर्व मिलता है कि नेहरू जी हमारे इलाहाबाद में पैदा हुए, इसलिए नेहरू जी जिंदगी भर कहाँ से खड़े होते रहे? इलाहाबाद से खड़े होते रहे। इलाहाबाद से क्यों खड़े होते रहे? क्योंकि इलाहाबाद वालों को ज्यादा नशा था कि नेहरू जी हमारे इलाके के। बाबा है, उन्होंने मुरली में बोला है कि जो वोट करने वाले बच्चे होंगे उनसे बाप दादा आगे चल के नहीं मिलेंगे। हाँ? लेकिन अगर छोटी कोई अगर छोटी छोटी बातों में अगर चिड़चिड़ा बना जाएगा और वोट करने लगेंगे तो उनसे भी बाप दादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, चिड़चिड़ापन वो भी तो क्रोध है। क्रोध क्यों आना चाहिए जब हमारी बुद्धि में ये बात बैठी हुई है कि धर्मराज बाप आया हुआ है, वो बारा न्यारा करेगा, सबका फैसला कर देगा ना, किसको कितना दंड मिलना चाहिए, किसको कितना प्रतिफल मिलना चाहिए, ये सारा फैसला होगा कि नहीं? तो हम क्रोध क्यों करें? हम ला अपने हाथ में क्यों उठाएं, किसी से दुर्वचन बोलें, लाल लाल आंखों से देखें या दो हाथ मार दें, इसकी जरूरत है नहीं? बाबा है, आप मुरली में बोला भगवान बाप मिला तो सब कुछ मिला, तो आप जरूर ड्रामा चेंज कर सकते हैं, मक्खी को मार सकते हैं, मार के जिंदा कर सकते हैं, मक्खी को मार के जिंदा कर सकते हैं। आपको अंदर में तो 100 सुप्रीम सोल मौजूद है, कहीं के लिए सबके सामने अपने भगत साबित कर रहे हैं। बाबा मुरली में कहा है, है? मुरली में कहा है, मुरली में सुना है, हाथ उठा के अपना नमाज अपने देखो, है अपने नमाज अपने देखो, अपनी नमाज नमाज सुना है, नमाज का मीनिंग क्या है? नब्ज ऐसे डॉक्टर पकड़ता है ना, ऐसे है, अपनी नब्ज अपने आप देखो,
कि हम कितने बीमार हैं और कितने स्वस्थ हैं। नमाज कर दिया ये ऋषि ने बोला है जे माता से भी सद्गति नहीं मिलता है, पिता से भी सद्गति नहीं मिलता है, सद्गुरु से सद्गति मिलता है। बराबर। तो सद्गुरु का जो रोल होगा है, तो सद्गुरु माता पिता से क्या एक्स्ट्रा क्या चीज देगा जो सद्गति मिलेगा? सद्गुरु जो है वो सख्त पार्ट होता है, बाप एक बार को क्षमा कर देगा, टीचर भी क्षमा कर देगा, माता तो क्षमाशील होती ही है, लेकिन सद्गुरु अगर उसके सामने उद्दंडता की तो क्षमा नहीं करेगा। और बाबा तो सद्गुरु ऐसा तो बोला और बोला जे भविष्य में गोमुख से माने ज्ञान गंगा निकलेगा, तो सद्गुरु साथ गोमुख का क्या लिंक है? क्योंकि सद्गुरु तो अंत में जाके सद्गुरु ही ज्ञान सुनाएंगे बा लीडरशिप देंगे, तो सद्गुरु का साथ गोमुख का क्या अंतर है बा क्या मिल है? गोमुख क्या है? गौमुख जानवर है। तो गोमुख से ज्ञान गंगा निकलेगा तो उद्धार होगा सब के। जब जब गौ जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी बैल के, क्या बैल के कंट्रोल, बैल के कंट्रोल, और वो भी एक के बैल के कंट्रोल में, एक बैल के कंट्रोल में आ जाएगी, उस समय गऊ के मुख से गंगा निकलेगी।